हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आज मैं बात करूंगी काव्य अनुवाद के बारे में, श्रीमद् भागवत गीता। इसका काव्य अनुवाद किया है, संशोधित है ये, इसका अनुवाद किया डॉक्टर एम एल खरे जी ने। अयन प्रकाशन से प्रकाशित हुई है ये पुस्तक। मैं दिखा देती हूँ आपको, आप देखिएगा ये भावानुवाद। ये बहुत काम की चीज, लोगों की मनोदशा को बदलने में पूरी तरह सक्षम है मद भागवत गीता। पृष्ठ है इसमें 103 और मात्र 250 रुपए की हार्ड बाउंड में 2022 में प्रकाशित। थोड़ा सा परिचय, डॉक्टर एम एल खरे जी का झांसी के गांव में जन्मे, झांसी निवासी हैं, एमएससी पीएचडी भौतिक विज्ञान में किया है। भोपाल से प्रोफेसर व विभागाध्यक्ष पद से 1992 में सेवानिवृत्त। प्राचीन ग्रंथों के पद्यानुवाद में विशेष योगदान दिया इन्होंने। व्यंग कविता लेख लिखते हैं, 14 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। और इन्होंने इस पुस्तक को देखते हैं हम किसे समर्पित किया है, स्वर्गीय शकुंतला खरे जी। कोविड द्वारा अचानक छीन ली गई धर्म पत्नी शकुंतला खरे की पुण्य स्मृति में, जिनकी प्रेरणा और सहृदयता मेरी लेखनी का संबल रहे हैं, अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि सहित समर्पित। इसमें इन्होंने 18 अध्यायों का पद्यानुवाद किया। बड़ा सरल है, बहुत सरल है, बड़े आराम से समझ में आता है। अधर्म पर धर्म की विजय होती है, आत्मा अजर अमर है। देखिए हमारा हमारा क्या उद्देश्य है इस जीवन का, क्या उद्देश्य होना चाहिए? आत्मा आप जानते हैं अजर अमर है, तो हमारा एक ही उद्देश्य होना चाहिए, आत्मा की पवित्रता। क्योंकि शरीर बदल जाएंगे लेकिन आत्मा तो वही रहेगी, तो हमारा सारा ध्यान हमारी आत्मा की शुद्धि में होना चाहिए, मन शुद्ध होना चाहिए, हमें काम वासनाओं पर विजय पानी चाहिए, और कर्म भी करें तो निष्काम कर्म, ये सब आप जानते हैं। श्रीमद् भगवद गीता भटके हुए लोगों को राह दिखाती है। मन सही गलत को पहचान नहीं पाता तो ये उनको मन का मार्गदर्शन करती है, बताती है सही क्या है गलत क्या है। काम क्रोध लोभ मद मोह और मत्सर, ये सारे हमारे विकार हैं। देखिए हम सब लोग कहीं ना कहीं विकारों से ग्रसित हैं, तो ये हमें कहती है कि हमें इन विकारों से दूर रहना चाहिए। काम वासनाओं पर विजय पाना है, क्रोध नहीं करना बेवजह, लोभ तो कतई नहीं होना चाहिए, मद मीन्स घमंड, घमंड तो नहीं होना चाहिए, मोह ना रखो किसी में, कर्तव्य निभाओ, और द्वेष ईर्ष्या तो राम राम करो, द्वेष ईर्ष्या कभी ना करो। तो मित्रों मैं आपको इसमें कुछ पद्यानुवाद सुनाऊंगी जरूर आपको, आप भी इसका रसा स्वादन कीजिए। प्रथम देखिए अर्जुन विषाद योग है। धृतराष्ट्र पूछते हैं संजय से, कुरुक्षेत्र की धर्म भूमि पर जा पहुंचे हैं जो लड़ने, हे संजय क्या किया हमारे और पांडु के पुत्रों ने। पूछते हैं धृतराष्ट्र संजय से, भाई क्यों ऐसा क्यों? आप सब जानते हैं कारण क्या था, लोभ लालच। करो एक इंच भी धरती नहीं देना चाहते थे अपने भाइयों को। तो अब मैं सिर्फ वही आपको सुनाऊंगी जो श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को संदेश दिया कि मरती नहीं ना पैदा होती, मरे नहीं फिर जीकर, यह अनजन्मी नित्य सनातन, देह मरे यह रहे अमर, यह रहे अमर, यह रहे अमर। एक और सुनिए, अतः उचित है पूर्ण नियंत्रण इन पर और ध्यान मुझ में, स्थित प्रज्ञ उसे कहते हैं, स्थित प्रज्ञ उसे कहते हैं, रखे इंद्रियां जो वश में, हमें अपनी इंद्रियों को वश में रखना है, वही व्यक्ति स्थित प्रज्ञ जिसकी बुद्धि स्थित हो जाए। श्रेष्ठ पुरुष जो कुछ करता है देते सब उदाहरण है, श्रेष्ठ पुरुष जो करता है देते सब उदाहरण है, उसको ही आदर्श मानकर करते लोग अनुकरण है। आपने देखा होगा लोग उसी का तो अनुकरण करते हैं जो भला होगा, एक खराब इंसान का कौन अनुकरण करना चाहेगा, कोई नहीं। इन्होंने लिखा है कि काम ज्ञानियों का वैरी है, काम वासना जो है वो ज्ञानियों की दुश्मन है, काम ज्ञानियों का वैरी है, उनका ज्ञान ढांक लेता, अग्नि सदृश्य या तृप्त कभी भी हे कौनते नहीं होता, हे कौनते नहीं होता, नहीं होता। अर्थात काम वासना तो ज्ञानी लोगों की दुश्मन है,
और उनका ज्ञान कामवासना ढक लेती है। जिसे आग कभी शांत नहीं होती, कामवासना कभी शांत नहीं होती, हे अर्जुन कामवासना कभी शांत नहीं होती, ये तो बढ़ती जाती है। तो इसलिए मन पर नियंत्रण जरूरी है। भारत जब जब हानि धर्म की होती है, अधर्म बढ़ता, तब तब मैं अपनी इच्छा से ही शरीर धारण करता। श्री कृष्ण कहते हैं मैं अपनी इच्छा से ही शरीर धारण करता। एक और देखिएगा कि सभी योगियों में उत्तम वह जिसका मन मुझमें रमता, मानू उसे श्रेष्ठ योगी जो श्रद्धा से मुझको बचता, जो श्रद्धा से मुझको बचता। फिर कहते हैं कृष्ण जी कि मुझे नहीं बचते दुष्कर्मी, मुझे नहीं बचते दुष्कर्मी, मूढ़ नराधम जो होते, माया हरे ज्ञान उनका, माया हरे ज्ञान उनका, वे वृत्ति आसुरी में रहते, वे वृत्ति आसुरी में रहते। यानी जो दुष्कर्मी बुरे काम करने वाले तो मूर्ख होते हैं और वो दानव होते हैं, माया उनका ज्ञान हर लेती है और उनकी जो प्रवृत्तियां होती है यानी वो दानव प्रवृत्ति के हो जाते हैं, राक्षस हो जाते हैं, अपने स्वभाव से बुरे कामों में लिप्त हो जाते हैं ऐसे व्यक्ति। आगे कहते हैं श्री कृष्ण कि तीन भांति के द्वार नरक के करते नाश आत्मा का। अब कौन कौन से हैं नरक के द्वार? काम, क्रोध और लोभ। काम वासना से दूर रहें, क्रोध ना करें और लोभ तो कभी ना करें, इन तीनों से दूर रहें, चाहिए इनका करना त्याग सदा, चाहिए इनका करना त्याग सदा। अर्जुन के मन में बड़ी एक दुविधा थी कि मैं क्यों लड़ूं, तो श्री कृष्ण ने उन्हें संदेश दिया था। वे कहते हैं कि किंतु अगर कर्तव्य समझकर अर्जुन कर्म किया जाए, किंतु अगर कर्तव्य समझकर अर्जुन कर्म किया जाए, फल आसक्ति छोड़ देना ही त्याग सात्विक कहलाए, त्याग सात्विक कहलाए। श्री कृष्ण भगवान ने हमेशा कहा है कि कर्म नहीं करना, कर्म करना है, कर्म छोड़ना नहीं है, कर्म का फल छोड़ना है, कर्म करिए, क्योंकि इंसान बिना कर्म किए एक पल भी नहीं रह सकता। हाँ, फल की आसक्ति नहीं होनी चाहिए। देखिए, अच्छे कर्म का आपको अच्छा फल मिलेगा, बुरे का बुरा मिलेगा। न ही देहधारी को संभव है सब कर्म त्याग पाना, अतः कर्म फल तजना ही कहलाता, त्यागी हो जाना। आप अपने कर्म फल को छोड़ दीजिए, आप त्यागी हो जाओगे। आगे इन्होंने लिखा है कि अहंकार बल दर्प काम और क्रोध परिग्रह ममता को, शांत चित्त हो तजे ब्रह्म में एक ही भाव योग्य तब हो। यानी जब आप इन सबको छोड़ देंगे ना, आपका चित्त शांत हो जाएगा, तब आप ईश्वर में समा जाएंगे, एक हो जाएंगे आप ईश्वर में, एक ही भाव योग्य, तभी आप हो जाएंगे ईश्वर में समाने के काबिल, तब होंगे। और आखिरी में देखिए क्या कहते हैं, जहां कृष्ण योगेश्वर हैं और जहां धनुधर अर्जुन से, वहां विजय श्री है विभूति ध्रुव नीति, वहां मेरे मत से ध्रुव नीति, वहां मेरे मत से ध्रुव नीति, यहां मेरे मत से। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।